तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने रोमांचक ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्पेन को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया था। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम लगातार दूसरे ओलंपिक में ब्रॉन्ज अपने नाम करने में सफल रही। टीम इंडिया की इस जीत के स्टार रहे कप्तान हरमनप्रीत सिंह, जिन्होंने टीम इंडिया के लिए दोनों गोल किए। इस तरह टोक्यो ओलंपिक के बाद भारतीय टीम पेरिस से भी ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीत कर लौटी और कप्तान हरमनप्रीत ने इसमें अपनी हॉकी स्टिक से गोल की बारिश कर सबसे अहम भूमिका निभाई। और आज इंडिया न्यूज पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। बहुत बहुत स्वागत है हरमनप्रीत आपका। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी। हरमनप्रीत, सबसे पहले तो सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से प्रदर्शन आप लोगों का रहा और जैसा स्वागत आप लोगों को वापस आने के बाद मिला, क्या अब इस बात को लेकर आप लोग एडजस्ट कर पाए हैं कि एक जो पूरा वो एटमॉस्फेयर था, क्रिएट हुआ था उस वक्त, अब चीज़ें जो नॉर्मल हुई हैं या अभी भी इसी तरीके से बधाई संदेश और लोग जो हैं वो लगातार आप लोगों से मिल रहे हैं, आ रहे हैं? शुक्रिया सबसे पहले। बिल्कुल, आई थिंक जब से हम वापस आए हैं और जैसा हमारा वेलकम हुआ और जितना लोगों ने हमें प्यार दिया है वो बहुत स्पेशल है हमारे लिए। एंड एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि जब आप मेडल लेके आ रहे हैं एंड लोग आपको इतना प्यार कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं आने का। और यू नो, तो अभी तक भी आई थिंक वो चल रहा है, अभी तक भी मैसेजेस आ रहे हैं और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हर एक को एक रिप्लाई करें और शुक्रिया अदा करें कि जितना आपने सपोर्ट किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी टीम की, और आपको क्या लगता है कितना नजरिया लोगों का बदला है भारतीय हॉकी टीम के लिए? जी बहुत ज्यादा, और क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि लोग हॉकी को दोबारा देखना शुरू कर रहे हैं, हॉकी को समझ रहे हैं। और जितना हमें पता चला है कि थ्रू आउट द ओलंपिक बहुत लोगों ने हॉकी को नज़दीक से देखा है और हॉकी को समझा है, और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा और कॉन्फिडेंस है जो और बिल्डअप होगा, क्योंकि जब पूरा इंडिया आपको सपोर्ट कर रहा है, हॉकी को प्यार कर रहा है, तो हमारी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सालों में और ज़्यादा मेहनत करें और ऐसा लोगों का प्यार मिलता रहे। हरमन, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं आपको लगता है, क्योंकि अब आपसे अपेक्षाएं लोगों की बहुत बढ़ गई हैं, अब कोई हर कोई जो है ना लॉस एंजलिस ओलंपिक, क्योंकि अभी बहुत समय है उसमें, हर कोई उसका बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है कि भारत की अब इतिहास में एक नया स्वर्णिम पन्ना जो है वो दर्ज हो, क्योंकि आपने खासकर बेल्जियम के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उम्मीदें भी जगाई हैं उनको, जिस तरह से आपने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी एक लंबे समय के बाद। तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं आपको लगता है कि अभी उसमें बहुत कुछ अभी किया जाना बाकी है? बिल्कुल, आई थिंक थ्रू आउट द जर्नी जो हमारी रही है, जितना हमें हॉकी दिखाया है वहाँ पे और सारे मैचेस हमारे अच्छे खेले हैं हमने, और बहुत क्लोजली अगर टैमी की बात करें तो बहुत क्लोजली रहा है वो। तो एरियाज काफ़ी हैं कि जहाँ पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, और नेक्स्ट ओलंपिक से पहले काफ़ी मेजर टूर्नामेंट है जो हम खेलेंगे, जैसे नेक्स्ट ईयर हमारा एशिया कप है जो जिसमें हम क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप को लेके, एंड 26 में काफ़ी मेजर टूर्नामेंट है आ रहे हैं हमारे, एशियन गेम्स हैं, वर्ल्ड कप है। तो ओलंपिक से पहले काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास कि हम टीम का जो कॉन्फिडेंस है और बिल्डअप करके रखें और अच्छा परफॉर्मेंस करें। तो अभी ट्रेनिंग चल रही है। बिल्कुल सर जी। अच्छा हरमन जी, क्या आपको नहीं लगता कि अभी जो पेनल्टी कॉर्नर या ड्रैग फ्लिक का मामला है उसमें टीम आप पर कुछ ज़्यादा ही निर्भर कर गई है? क्योंकि हमें लगता है कि हरमन जी जैसे कम से कम 2-3 पेनल्टी कॉर्नर एक्सपर्ट टीम में और होने चाहिए अगर हमें ओलंपिक गोल्ड जीतना है तो। बिल्कुल बिल्कुल, यही कोशिश हो रही है कि हम क्योंकि जब भी प्लेइंग 11 रहे उसमें एटलीस्ट 2-3 ड्राइव फ्लिकर अवेलेबल हों हमारे पास। तो हमारे पास है अभी बिल्कुल 3-4 ड्राइव फ्लिकर हैं जो हमारे साथ हैं अभी, और टीम में अभी जो टीम जा रही है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उसमें हम आई थिंक 5 ड्राइव फ्लिकर हैं हमारे पास। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हम बिल्डअप करें, उनको चांसेस मिले ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि आने वाले मेजर टूर्नामेंट में हमें काफी हेल्प करें। हरमन जी, आपका जो पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन है, वैसे तो आपने सबसे ज्यादा गोल किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, 17 गोल आपके नाम रहे, आपका 17% जो है आपका परसेंटेज रहा,
लेकिन हम जर्मनी का देखते हैं तो उनका 25% है, अगर हम बेल्जियम का देखते हैं वो भी 25% है, अगर हम अर्जेंटीना या अन्य साउथ अफ्रीका का देखते हैं वो भी 20% है। आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में या इनडायरेक्ट शॉट्स में वेरिएशंस में अभी हमें और ज़्यादा फुलटन साहब की मदद की और ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक आप सही कह रहे हैं, और उसमें बिल्कुल अगर आप जितने भी, जैसे मैंने हमें बताया कि हमारे पास और ड्रेस लेकर आ रहे हैं जो कि हेल्प करेंगे हमें, और उसके साथ साथ हम वेरिएशन की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि बहुत मेजर पार्ट हो गया, क्योंकि आजकल की हॉकी में जितनी भी टीम्स हैं उनकी डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो गई है, जो फर्स्ट रशर आ रहे हैं गोल कीपिंग की बात करें वो बहुत टफ होता जा रहा है डे बाई डे फ्लिकर के लिए, तो उसको कैसे हमने मैनेज करना है, उनको कैसे हमने बीट करना है, उस पर भी बातें हो रही हैं, तो उस पर हम बिल्कुल हमारा जो काम चल रहा है। एक आखिरी सवाल हरमनप्रीत आपसे रहेगा, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें समय दिया, वो ये कि ये जब आपको प्रधानमंत्री ने फोन किया तो उन्होंने आपको सरपंच साहब कह के संबोधित किया, और फिर आप जब मिले भी वो वीडियो भी आया, तो ये नाम कैसे पड़ा आपका? जी नाम मेरे को टूर्नामेंट के बाद एक्चुअली पता चला, क्योंकि ड्यूरिंग टूर्नामेंट हम बिल्कुल सोशल मीडिया अपना फोन अवॉइड कर रहे थे क्योंकि हम अपना जो फोकस था हमें हॉकी पे रख रहे थे, बट उसके बाद जो आई थिंक कमेंटेटर थे हमारे सुनील सनेजा भाई एंड जो फॉर्मर हॉकी प्लेयर रह चुके हैं युवराज सिंह, तो उन्होंने एक्चुअली ये नाम मेरे को दिया है क्योंकि आई थिंक एज ए लीडर है, एज ए कैप्टन आपको वो सरपंच बोल रहे थे कि हाँ वो जो प्लेयर लीड करता है, तो मेरे को भी अच्छा लगा कि चलो हॉकी से मेरे को एक नाम मिला है, तो आई थिंक बहुत अच्छी बात है सर। जी जी जी, बहुत शुक्रिया हरमनप्रीत आपका हमें समय देने के लिए, और मनोज सर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय टीम के कप्तान, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि किस तरीके से अभी भी जो है उनका शेड्यूल उसी तरीके से व्यस्त है, और अब जो ओलंपिक है अगला उसकी तैयारी में वो लोग जुट गए।